I have this sweet lemon in my hand. This is peeled and this is unpeeled. Let's see their behavior in water. First, this peeled one. This is lighter, of course, without the peel. This is sinking. And we now take example of this. To the surprise, it floats. We take another example. Let's say example of this. मटर का एग्जांपल लेते हैं, पी का. इसके दाने देखेंगे तो ये डूब गए. अगर मैं एक पूरा मटर लूँ तो ये देखते हैं क्या करता है, ये नहीं डूबा. इसी तरह आप एक पोमीग्रेनेट का एग्जांपल ले सकते हैं, ये भी नहीं डूबा. इसके दाने लेंगे तो वो डूब जाएगा. एक कॉइन लेते हैं, हल्का है. आपने देखा होगा बड़े बड़े जहाज जो स्टील के होते हैं वो फ्लोट करते हैं, लेकिन ये भी स्टील का ही, देखते हैं डूब गया. इस बॉल है, ये प्लास्टिक की बॉल है, इसके अंदर ऑफ कोर्स कुछ नहीं है, एयर तो है ही. देखेंगे अगर आप, मैं इसको डुबोने की कोशिश करते, एक अपवर्ड फोर्स है जो इसे वापस ले आता है, जिसे वापस ले आता है. बेसिकली क्या हो रहा है, एक फाइट हो रही है ग्रेविटी की और बैलेंट फोर्स की. आप इसे गेम की तरह देखिए कि इस गेम में कौन जीतेगा, ग्रेविटी जीतेगी, कभी ग्रेविटी जीतती है कुछ सब्सटेंस के लिए, कभी बैलेंट फोर्स जीत जाता है. अगर यही चीज़ मैं आपको दूसरी तरह एक्सप्लेन करता, मैं एक एंट्री लेता और बोलता हेलो गाइस, आज मैं आपको आर्गोनिस प्रिंसिपल समझाऊंगा, उसकी डेफिनेशन बताता, तो आपके तो इंटरेस्ट आता. शायद अब तक तो आप अपना फेसबुक पेज भी स्क्रॉल कर चुके होते या यूट्यूब में दूसरा वीडियो भी देख चुके होते. मेरा काम है आपके अंदर एडुकेशन का इंटरेस्ट जगाना. अब आपको इस आर्गोनिस प्रिंसिपल को एक गेम की तरह देखना है, एक फाइट है जिसमें हर बार कोई ना कोई और, कभी कोई सब्सटेंस जीतता, कभी कोई सब्सटेंस जीतता है, लेकिन उनके अंदर क्यों जीता ये रूल बताया आर्गोनिस प्रिंसिपल ने, ये रूल बताया आर्गोनिस प्रिंसिपल ने. आप उस रूल को पढ़िए, समझिए और इसे गेम की तरह लीजिए, डिफरेंट मटेरियल ट्राई करिए. फिनलैंड एंड यूएस इन 1960 वर नॉट डूइंग वेरी गुड, बट देन फिनलैंड डिड अ कंटिन्यूअस इम्प्रूव. स्टडी से पता चला है कि फिनलैंड ने ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो जनरल मेथड ऑफ द एजुकेशन का, उसको छोड़कर प्ले एंड लर्न का कॉन्सेप्ट को अपनाया. जी हाँ, यहाँ पे एक स्पेशल प्रोग्राम होता है बच्चों को जिसमें रूटीन लेवल पे उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए जाते हैं. आई वुड लाइक टू एड अ कोट हियर. आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड. I will repeat, I do and I understand. जब मैं करके देखता हूं तब मुझे समझ आता है. अब मैं पूछूंगा एडुकेशन का मतलब क्या है, वट इज एडुकेशन, और when we say being educated, क्या एडुकेशन का मतलब ये है कि हम ग्रेजुएट हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, अच्छे मार्क्स ले आए? मेरे ख्याल से दिस अमाउंट ऑफ मनी फॉर एडुकेशन का मतलब सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना नहीं, बट मेरी डेफिनेशन तो ये है कि हाउ यू लिव इन दिस वर्ल्ड बाय ओबेइंग नेचर लॉज. हम कितनी भी पढ़ाई कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, पीएचडी कर ले, लेकिन अगर हमें सामान्य नियम नहीं पता और दीवारों पर थूकते फिरे तो क्या हम एडुकेटेड हैं, या कि हम ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते तो क्या हम एडुकेटेड हैं? सो वी हैव सीन अ ड्रीम टू ब्रिंग जॉय इन एडुकेशन, अ ड्रीम टू ब्रिंग इंटरेस्ट इन एडुकेशन, अ ड्रीम टू मैप बुक्स नॉलेज टू रियल लाइफ, एंड वी विल फुलफिल आवर ड्रीम. ये सपना जरूर पूरा होगा. आई विल एंड हियर with Mr. APJ Abdul Kalam, success mantra. You have to do four things, okay? Number one, great aim. Great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere. I will persevere. And succeed. And succeed. Okay, that's the mantra. Thank you, sir. Thank you so much.